अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये इस टाइम पे खुला हुआ है, और यहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, एक भी कैफे नहीं खुला हुआ है, पर ये वाला कैफे खुला हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा आप लोगों को बताना जरूरी है। तो ये कुछ कुछ लोग रात को भी घूमने वाले होते हैं जिनको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने में मजा आता है। तो अभी रेडी हो चुके हैं और विकास भाई हमें रिस्पिना के आसपास कहीं मिलेंगे, तो अभी हम सब इसी गाड़ी में जाएंगे, मुकुल की गाड़ी में। तो विकास आ गया, ऋषि बैठ गया है विकास की गाड़ी में, मतलब अपनी गाड़ी है उसकी। और ऋषिकेश जो यूजुअल रास्ता है उससे नहीं जाएंगे हम, जो नेपाली फार्म होते हुए वहाँ से नहीं जा रहे हैं, जो स्टेडियम वाला रास्ता है जो थानों से निकलता है और रायपुर होते हुए निकलता है, तो उससे जाएंगे हम। जंगल वाला रास्ता है तो थोड़ा नेचर से जुड़ा हुआ रास्ता है, तो मजा आता है उसमें जाने में। तो अभी हम एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और हुआ भी ऐसा कि मैं विकास की गाड़ी चला रहा हूं, क्योंकि विकास को नींद आ रही थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था और वो जल्दी ऑफिस चला गया था। तो ये देखो दूसरी गाड़ी भी आ गई हमारी, और ये एयरपोर्ट वाला रास्ता है, यहाँ पे लिख भी रखा है ये हरिद्वार डोई वाला इस साइड है और देहरादून इस साइड है, और एयरपोर्ट इधर है इस वाले रूट पे, ये सीधा आके एयरपोर्ट आएगा। तो आप सभी को नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सुजसवाल में। तो अभी ऋषिकेश पहुंच चुका हूं मैं और गाड़ी पार्क कर दिया मैंने यहां पे। ये मेरे पीछे जानकी सेतु झूला है और लक्ष्मण झूला इसके थोड़ा आगे है, तो हम यहीं पे गंगा आरती देखने जा रहे हैं अभी। और स्पेशली मेरी मम्मी का बहुत मन था कि मैं जाऊं गंगा आरती वो पूरा शूट करूं और गंगा आरती भी मेरे ब्लॉग्स में आ जाए, तो इसलिए मैंने इन सबको बोला कि चलो चलते हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो 20-25 मिनट हो चुके हैं, आरती चलने में लगी हुई है। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा हुई थी ना, हनुमान चालीसा हुई थी, उसके बाद 2-3 आरती और हुई है, फिर अभी फिर आरती चल रही है, और मैं वेट कर रहा हूँ वो जो दिया लेके वो ऐसे आरती करते हैं ना, मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ। तो बहुत एक बढ़िया गंगा आरती हो चुकी है अभी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब सब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, पहले हम सोच रहे थे कि वहाँ सीढ़ियों में बैठ जाएंगे, पर फिर सोचा कि चलो कहीं खाने चलते हैं पहले। तो जो गंगा आरती थी अभी हम देख के आए वो परमार्थ निकेतन में थी, और परमार्थ निकेतन की जो नींव रखी गई थी वो 1942 में रखी गई थी, और फिर 1967 से डेली यहाँ पे आरती होती है, मतलब 1967 के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन यहाँ पे आरती ना हुई हो, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे 25-26 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, और मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक बार नहीं कई बार आना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही आता रहूँ, बार बार यहाँ आरती अटेंड करूँ, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। तो अभी फिलहाल तो हम जिस पुल से गए थे सीता पुल, उसी पुल से हम वापस जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये सोचा हुआ है कि जो लक्ष्मण झूला है उसके सामने एक होटल है, तो अभी वहीं पर पता करेंगे, अगर वहाँ पर रेट ठीक लगा तो ठीक है, वरना कहीं और ढूंढेंगे। हम यहाँ पे खाने के लिए आ गए थे, यहाँ पे टिक्की बन रही है, तो 2-3 प्लेट टिक्की की और 1-2 प्लेट बन टिक्की की अभी के लिए हाँ, अच्छी लगे तो डबल भी हो सकता है मामला, नहीं पर इसके बाद कहीं और खाएंगे। चाट और टिक्की खाने के बाद ये रामफल मिला है हमें, ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं, और टिक्की खा के थोड़ी मिर्ची लग गई थी, तो ये थोड़ा मीठा मीठा है, बीज भी है इसमें, ये चबाए भी नहीं जा रहा बीज, इसको घूट लो आंटी जी, पेट साफ हो जाएगा मेरा, हो जाएगा पेट साफ, बहुत हार्ड है बीज, और भी बहुत सारे बीज होते हैं जिसको घूट सकते हो आप, डाइजेशन में काफी हेल्प करते हैं वो, और टेस्ट इसका काफी अच्छा है, पर बीज बहुत सारे हैं। तो ऐसा शेप होता है देखिए रामफल का। तो अभी हम इस होटल में पहुंच चुके हैं, इस होटल का नाम है H7 स्टे। तो होटल का जो रास्ता है वो थोड़ा डरावना सा था, बिल्कुल पतली पतली रोड थी और बिल्कुल रोखड़ा वाली रोड थी, तो पहुंच तो गए हम, अभी देखते हैं होटल है कैसा। तो ये बढ़िया सा कमरा है और यहाँ से ये व्यू है, देखो क्या बढ़िया व्यू, यहाँ से लक्ष्मण झूला भी दिखता है और ये पूरी नदी दिखती है हमारी गंगा नदी, और ये नीचे बच्चे बैठे हैं हमारे बॉनफायर में बढ़िया करके हाथ सेक रहे, और ये मुगल पैसों की बात कर रहे हैं।
तो होटल हमारा कंफर्म हो चुका है और अब हम थोड़ा खाने के लिए निकले थे। तो यार ऋषिकेश में चोटी वाले बाबा बहुत फेमस है, मतलब ये कोई बाबा नहीं है, बस इस रेस्टोरेंट का नाम है चोटी वाला, इस नाम से बहुत फेमस है। यहाँ पे जो भी आता है तो यहाँ पे जरूर खाता है खाना, तो इसलिए हमने सोचा चलो भूख लग रही थी तो यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। तो बाहर से ऐसे दिखता है हमारा रेस्टोरेंट ये, और यही ऋषिकेश में दो आउटलेट है इसके, और सेम ऐसे ही हरिद्वार में भी है ऐसी दो आउटलेट। तो ये मेरे मसाला डोसा आ गया, मुगुल का इडली हमारा आ चुका है और बाकी अभी आ रहा है धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ी थाली आ चुकी है यहाँ पे, ये सोमे ने मंगाई थी, ये सिर्फ अकेली सोमे खाएगी। ये दाल मखनी भी है और ये चपाती भी है, ये जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है ये इनकी है बस। तो अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए खाना खाते हुए, और यहाँ सबकी थालियों की हालत देख सकते हो आप, सारा खाना खत्म हो गया, सारा जितना भी आया था। कैसा लगा खाना? कैसा? सेम, मुझे अभी मैं छेड़ो खाऊंगा पहले। सच में टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये दाल मखनी जो है ये अभी एक और मंगाई है हमने, तो इसलिए कभी भी ऋषिकेश आओ ना या हरिद्वार भी, तो ये चोटी वाले बाबा पे जरूर जाना। बाबा नहीं, रेस्टोरेंट चोटी वाला रेस्टोरेंट। राउंड टू चल रहा है अब, राउंड टू। और पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हो, बैकग्राउंड में हमारा सीता झूला दिख रहा है, और यहाँ पे परमार्थ भवन है जहाँ पे हमारी गंगा आरती हुई थी। तो कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ हमारा भोजन चल रहा है और वहाँ इतना बढ़िया बैकग्राउंड, वाह सुंदर, अति सुंदर, अविश्वसनीय। तो अभी खाना खाने के बाद यहाँ बाहर निकलते ही कितना बढ़िया व्यू दिखाना, एक तो खाना खा के इतना अच्छा फील हो रहा है, और साथ ही साथ जब ऐसा व्यू देखो तो मजा ही आता है। देखो सबके सब फोटो खींचने में लगा है, ये भी फोटो खींच रही थी, ये भी फोटो खींच रही है मैडम। पर एक बार आप क्लोजर व्यू ले लो पूरे घाट का, आराम से दर्शन कर लो आप भी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब होटल जाने से पहले हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, तो अभी चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि इतना सारा खाना खाने के बाद थोड़ी चाय तो बनती है। तो ये बन रही है हमारी चाय, मैं थोड़ी चीनी कम हो जाएगी थोड़ी सी, अभी तो डाले ही नहीं। हाँ मतलब बता रहा था आपको कि हल्का हाथ रखना जरा चीनी में। कहाँ से अंकल आप? तो वेद रेस्टोरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे ही अंकल की स्टॉल है यहाँ पे, और ये जो सड़क दिख रही होगी आपको ये है लक्ष्मण झूला रोड, और इसी के पीछे ही है ये अंकल का स्टॉल, तो इसलिए रात को खाना खाने के बाद ना यहाँ पे आना जरूर। अदरक का आ रहा है पूरा टेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत चीज़ आया अंकल जी, मजा आ गया। धन्यवाद। आपका नाम क्या अंकल जी? सच्चिदानंद मिश्रा। अरे मिश्रा जी धन्यवाद चाय के लिए, ठंड में ऐसी चाय मिल जाए मजा ही आता है। तो अभी हम चाय पी के आ गए थे, और चाय पीते ही थोड़ा सा आगे आते ही ये होटल मिला है हमें, और इतना बढ़िया होटल है, अगर किसी का बजट टाइट है तो यहाँ रह सकता है वो, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट है, मतलब एक होता है रीजनेबल रेट और एक होता है बहुत ही रीजनेबल रेट, तो वो है। यहाँ देख सकते हैं आप डोरमेट का जो बेड होता है वो 100 रुपए का है, मात्र 100 रुपए का एक इंसान के लिए, और डबल बेड वाला एक कमरा 450, और दो डबल बेड का कमरा करीबन 700 रुपए का है, तो इससे बढ़िया डील मुझे लगता है कहीं मिल सकती है। तो अब इनसे रिक्वेस्ट करेगी रूम दिखाने के लिए, तो वो देख के आते हैं। ये रूम है, और बाप रे कितना बड़ा रूम है, रूम वो है, और ये इतनी बड़ी फालतू गैलरी, बहुत सही, और ये मैं हूँ। कितने का है? मात्र 350। तो कमरा आपने देख लिया कितना बढ़िया है, पर एक चीज है इतने सस्ते कमरे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ होगे तो आपको मिल जाएंगे इतनी आसानी से, तो इसलिए नीचे ऑनलाइन साइट लिखी आ रही होगी, यहाँ पे आप सर्च कर लेना कि आप कमरे अवेलेबल है या नहीं, और फिर ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो, या फिर अगर कमरे अवेलेबल हैं तो फिर आप डायरेक्ट यहीं आके बुकिंग करा लेना, क्योंकि इतने सस्ते कमरे कोई नहीं छोड़ेगा। तो अभी हम राम झूला आ रखे थे, ये देखो रात को बिल्कुल शांत हो रखा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, खाली हम ही लोग हैं, और एक भाई यहाँ पे पीछे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मुझे नहीं पता, पर बहुत ही प्यारा बजा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा बजा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आएंगी, गंगा नदी की आवाज आ रही है ना, बहुत ही मतलब मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में, मतलब 5 मिनट यहाँ पे खड़े हो जाओ शांति में, अलग ही लेवल का मेडिटेशन हो जाएगा, पर ठंडा भी काफी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हमने सोचा कि लोग बैठे हुए हैं तो हम भी बैठ जाते हैं नीचे जाके, थोड़ा मतलब पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अभी हम थोड़ा पुल के उस साइड भी चले गए थे, तो वहाँ से हम घूम के आए, थोड़ा घाट पे बैठे 5-10 मिनट, और जब तक मैंने सोचा यहाँ पूछूंगा भाई से कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, भाई तो चले गए। चलो अब बहुत टाइम हो चुका है, काफी घूम लिए रात को, अब चलते हैं होटल, थोड़ी एडिटिंग करता हूँ फिर सो जाऊंगा। तो अभी होटल तो हम गए नहीं, तो इस रेस्टोरेंट में आ गए थे, तो अभी पेमेंट करके बताता हूँ हम कहाँ आए थे इतनी रात को। तो ये यहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति है, और यहीं पे सामने ये कैफे है, यमी रूफटॉप कैफे। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये इस टाइम पे खुला हुआ है, और यहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, एक भी कैफे नहीं खुला हुआ है, एक भी होटल भी नहीं खुला हुआ है ढंग से, पर ये वाला कैफे खुला हुआ था, तो इसलिए अगर आपको कभी भी रात को भूख लग जाए तो यहाँ पे आ जाना। ये पीछे आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण जी की मूर्ति, और मूर्ति के राइट हैंड पे ये कैफे है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसलिए मुझे लगा आप लोगों को बताना जरूरी है। तो ये कुछ कुछ लोग रात को भी घूमने वाले होते हैं जिनको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने में मजा आता है। अब चलते हैं फाइनली होटल में।
तो अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो गंगा आरती थी उसका मैंने लाइव भी किया था, तो अगर आपको लाइव देखना है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया होगा उस लाइव का, उसमें पूरी गंगा आरती मैंने ढंग से दिखाई थी। और दूसरी चीज एक और हो गई है, लैपटॉप के साथ भी थोड़ा ज्यादा खेल हो गया है अभी, तो इसलिए सुबह कन्फर्म जब हो जाएगा मुझे कि ठीक है कि नहीं तभी बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी फिलहाल ब्लॉग को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे आपसे, कल थोड़ा ऋषिकेश और एक्सप्लोर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दिया होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन भी अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।